Hello, good morning children. Today we are going to study Living Science. Take our children science book, chapter 8, page number 56. Okay, so chapter 8, safety first, page 56. Everyone open this page. So first, see, left side you see the picture, a doctor help us when we are ill or hurt. So you see, डॉक्टर हम लोग को हेल्प करते हैं जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं या कहीं हम लोग को चोट पहुँचते हैं, ठीक है. सो ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स. Sometimes we get hurt while running or playing. If you get hurt, tell your teacher or parents. They will take you to a doctor if needed. The doctor will help you. To be safe, we must follow safety rules. So, sometimes we get hurt while running or playing. खेलने के टाइम में या खेलते हुए या दौड़ते हुए हम लोग कभी कभी हानि पहुँचते हैं, हर्ट होते हैं हम लोग. सो इफ़ यू गेट हर्ट, अगर आप लोग कभी ऐसा हुआ है, चोट पहुँचा, तो टेल योर टीचर और पेरेंट्स. फर्स्ट यू टेल टीचर और पेरेंट्स, दे विल टेक यू अ डॉक्टर इफ नीडेड. अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हानि पहुँचा तो पेरेंट्स और टीचर लोग पहले आपको कहाँ लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास. द डॉक्टर विल हेल्प यू, डॉक्टर आप लोगों को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ठीक होने के लिए ना, इसलिए डॉक्टर हेल्प यू. टू बी सेफ वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, इसीलिए आप लोगों को हर समय सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए. ऐसा क्या कि खेलिए पर दौड़िए मत, ऐसा तक दौड़िए कि गिर के चोट पहुँचे, तो आप लोगों को भी इसको समझ के करना है. तो ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स. नेक्स्ट यू सी, बी सेफ व्हेन यू वॉक, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. ओके, सो डू नॉट रन ऑन द रोड, ऑलवेज यूज द फुटपाथ फॉर वॉकिंग. If there is no footpath, walk on the safe side of the road. So, आप लोगों को दौड़ना तो रोड में नहीं चाहिए, और ऑलवेज यूज द फुटपाथ और वॉकिंग. और चलने के लिए आपको हर समय फुटपाथ को यूज़ करना चाहिए. If there is no footpath, अगर आपको देखा जाए कि कोई फुटपाथ नहीं है, walk on the safe side of the road. अगर नहीं है तो आपको सेफ होके, सुरक्षित होके रोड से चलना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, बी सेफ व्हेन यू क्रॉस द रोड, लेफ्ट साइड यू सी क्रॉस अ रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. सो इफ यू नीड टू क्रॉस द रोड, वॉक अप टू द जेब्रा क्रॉसिंग, वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप. फर्स्ट to your right, then to your left, finally to your right again, cross the road. When it is clear, watch out for traffic signals. Be careful on a rainy day, roads can be slippery. So be safe when you cross the road. If you need to cross the road, walk up टू द जेब्रा क्रॉसिंग. अगर आपको रास्ता में चलना है, क्रॉस करना है रास्ता को, रोड को क्रॉस करना है चल के, तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए, ठीक है. सो जेब्रा क्रॉसिंग से चलना चाहिए. वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप, और ट्रैफिक का जो स्टॉप लाइट आप लोग देख रहे होंगे, इसको भी वेट करके, वेट फॉर ट्रैफिक टू स्टॉप, और उसको समझ के करना है, जाना है, क्रॉस करना है. ट्रैफिक का जो रूल है उसको समझ के, वेट करके ट्रैफिक रूल को चलना है.
फर्स्ट तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टुक द टू योर राइट, फर्स्ट आप राइट साइड देखो, देन टुक टू योर लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट साइड देखिए, फाइनली टुक टू योर राइट अगेन, फिर आप कौन सा तरफ देखोगे, राइट साइड, सो क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर, और आपको तभी क्रॉस करना चाहिए अगर पूरा पूरा दो तरफ क्लियर हो, मतलब कोई जान वाहन, मतलब कोई गाड़ी नहीं चल रहा हो। वॉच आउट फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स, बी केयरफुल ऑन अ रेनी डे, तो आप लोगों को वॉच करना है हर समय ट्रैफिक का जो सिग्नल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लोगों को देखना है। और क्या बोल रहा है, रेनी सीजन में, रेनी डे में आप लोगों को बहुत केयरफुल होके चलना है रास्ता पर क्रॉस करने का समय। रोड्स कैन बी स्लिपरी, और वो क्या होता है उस समय रेनी, पानी गिरने के कारण, बरसात के कारण वो स्लीपी रहता है, स्लिपरी रहता है, तो आपको देख के चलना है। नेक्स्ट सी लेफ्ट साइड, ऑलवेज वेट इन अ लाइन, आपको लाइन से वेट करना चाहिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। सो बी सेफ व्हेन यू ट्रेवल बाय बस, वेट फॉर द बस इन अ लाइन, जब भी आप बस के लिए वेट करोगे तो लाइन से खड़ा रहो, सुंदर से लाइन से खड़ा रहो, लेट द बस स्टॉप, बस के बस को रुकने दो, ठीक है, देन गेट इन वन बाई वन, उसके बाद आप लोग एक एक के बाद एक चलो बस में। व्हेन यू वांट टू गेट ऑफ वेट फॉर द बस टू स्टॉप, और तब तब क्या करेंगे करोगे, गेट और तभी उतरो, व्हेन यू वांट टू गेट ऑफ वेट फॉर द बस टू स्टॉप, जब बस रुकेगा तभी आप लोग क्या करोगे, आपका इच्छा अनुसार उतर सकते हो जब बस रुकेगा। सो चिल्ड्रेन, आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टूड 1, 2, 3, 4 पॉइंट, ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, बी सेफ व्हेन यू वर्क, बी सेफ व्हेन यू क्रॉस द रोड, बी सेफ व्हेन यू ट्रेवल बाय बस। सो चिल्ड्रेन, एवरीवन प्रैक्टिस nicely chapter 8 page 56, okay children.